क्या दोस्तों आपके मोबाइल में भी अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में भी कॉल रिकॉर्डिंग चालू करके रखी या उसको ऑन करके रखी है? तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो के नीचे कि हमारे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग चालू है तो वह किस फोल्डर में सेव हो रही है या कहां पर सेव हो रही है, हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो हम जानेंगे पूरी वीडियो डिटेल के साथ में। तो दोस्तों आप इसी वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा और आपके भी मोबाइल में या अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग चालू है उसको आपको चेक करना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब कर देना और आपको पास में घंटी दिख रही उस घंटी को आपको ऑन पर प्रेस कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पर कॉल लगाते होंगे, उस कॉल का आइकन पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करने बाद गाइस आपका यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर लेना और दोस्तों आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा कॉल रिकॉर्डिंग, उसको आपको ओपन कर लेना। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को मैंने चालू करके रखा है, मैंने इसको ऑन करके रखा है। तो दोस्तों अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ पर हो रही है तो गाइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा मेरे मोबाइल में जो भी मेमोरी कार्ड होगी उसमें आपको यहाँ पर मूवी साउंड में रिकॉर्ड हो रही। तो गाइस आपका यहाँ पर बाहर आ जाना और गाइस आपका यहाँ पर सर्च कर लेना फाइल मैनेजर, उसको आपको ओपन कर लेना। जैसे उसको ओपन करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और गाइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा मूवी, उस पर आपको क्लिक कर लेना और दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा साउंड रिकॉर्ड, उस पर आपको क्लिक कर लेना और दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा सेकंड स्थान पर कॉल रिकॉर्डिंग, उस पर आपको क्लिक कर लेना। यदि आपके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग चालू है तो गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को देखना चाहते हो तो इस प्रकार चेक कर सकते हो। तो फाइनली गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स से वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।